Hey guys, it's Shannath. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, अभी तक तो आप जान ही चुके होंगे कि हम आतिफ असलम के कितने बड़े फैन रहे हैं। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं व्हाट इंडियन सेलिब्रिटीज थिंक अबाउट आतिफ असलम। देखो आप हमें इंडियन सेलिब्रिटीज समझ लो, हमारे होगा पहले आप वो चेकआउट कर लें, जल्दी से हम रिएक्ट कर लेते हैं। Let's go, आप ही जन्नत। किस्मत अच्छी है सच में, आई गॉट टू मीट आतिफ असलम इन पर्सन, अ लेजेंडरी परफॉर्मर लाइक दिस। कभी देखा तो कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट कभी इनको? कॉन्सर्ट में तो नहीं पर लाइव मेरे सामने भाई उनके लिए गा रहे हैं और क्या चाहिए बताओ फरमाइश का। सही, कमाल के आर्टिस्ट है सर, एंड व्हाट अ सिंपल हम्बल आदमी है ना सर, इतने बड़े स्टार है। आतिफ असलम को मैं कहना चाहूंगा कि हमने जिंदगी में सिर्फ एक गाना जिंदगी आरों में किया, आई थिंक बहुत फैंस चाहते हैं कि हम साथ में कर रहे कोई और गाना। आई वुड लाइक टू डू सम सॉन्ग विद हिम and I would sing Jina Jina for him. Actually I've had a very cool Atif Aslam moment. 3 saal pehle wo ek show pe perform kar rahe the hum dono ek saath and unhone mujhe khud stage pe bulaya and we sang Jina Jina together on stage. Oh, I think that's nice. A very beautiful moment which etched in my main bhi YouTube karke dekhungi again gifted. Oh, mujhe badi khushi hui gifted. When you're talking to him, does he miss coming to India and performing and stuff like that? I think is one thing about Atif Aslam is that his voice is magic here. Means his voice quality is unbelievable. A lot of people have been working with him. बहुत लोग काम करते हैं आतिफ के साथ और कुछ है इनकी आवाज में, कुछ there's something magical in his voice here. कुछ है, कुछ है, कुछ है और साथ में जो engineer काम करते हैं उनकी आवाज पे और जिस तरह की जो EQs और reverbs होती है makes him like a complete voice for the song, you know what I'm saying? Yeah, yeah. कि एक होती है कि एक raw voice होती है, एक होती है उसको treatment करके जो आवाज सुनाई देती है वो बहुत ही खूबसूरत। It was good, आतिफ मुझे उसकी आवाज पहले से ही बहुत पसंद रही है, जज्बातों को प्रेजेंट करने में बहुत अच्छी तरह वो माहिर प्लेबैक सिंगर है। मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे को लोग बोलते हैं कि मुझे कई लोग बोलते हैं कि ये he is an Indian आतिफ और आई थिंक शुरू में यस एब्सोल्युटली बहुत लोग बोलते थे क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने जितना नाम कमाया आई थिंक एशिया के अंदर अच्छे अच्छे सिंगर्स नहीं कमा पाए हैं, तो मुझे कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं अगर मेरे को उनके साथ जोड़ा जाता है। और मेरे तो इतने भी बॉलीवुड में 3 साल ही हुए हैं, उन्होंने 10-12 साल से वो गा रहे हैं, मैं बतौर एक कंपोजर लिरिसिस्ट और सिंगर आया हूँ, वो सिर्फ सिंगर हैं। बट मुझे अगर उनसे कंपेयर किया जाता है या उनके साथ मेरा नाम जोड़ा जाता है मुझे इस चीज़ की खुशी है, मुझे कोई गिला नहीं है। The song is called Dil Diya Galla from the film Tiger Singer. I simply love the simplicity of the song. The melody is very simple yet very very soulful and there's a lot of dhum in it. You got Atif Aslam to sing it for yeah, Salman. I thought no, I was to sing this song here. Yeah. Duni the fire. I was naturally thinking of Atif. लड़की की चॉइस वॉज माइन एक्चुअली, आई वॉज द पर्सन हू सेड की यूलिया से गवाते हैं बिकॉज वी वर ट्राइंग सिंगर्स बट वी वर नॉट गेटिंग द राइट लो मिड फ्रीक्वेंसी इन दोज वॉइसेज। एक छोटा सा पार्ट था वो फिर यूलिया को हमने गवाया एंड शी सैंग रियली ब्यूटीफुली और ओवरऑल जो एक साउंड बनता है गाने का आई थिंक आतिफ भाई एंड यूलिया हैव मेड दैट साउंड। पीपल आर जस्ट वर्शिपिंग हिम, पीपल जस्ट लव हिम, ही हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ कैरिज्मा व्हिच पीपल लव एंड हिज वॉइस हैज गॉट अ सर्टेन काइंड ऑफ अ टोन, अ वेरी अर्दी एंड अ हीरोइक टोन व्हिच पीपल लव एंड स्पेशली यंगस्टर्स इवन टुडे। एंड आई थिंक आतिफ असलम इज द ओनली सिंगर नॉट जस्ट इन आवर फिल्म इंडस्ट्री बट एल्सवेयर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आल्सो, व्हाटएवर ही इज सिंगिंग ही हैज बीन कंसिस्टेंट फॉर द पास्ट 15 ईयर। सही बात है। Are you guys sick and tired of dull and boring hair? And are you stressed out with hair fall? Then this is the right forum for you. Continue watching. So guys, before moving any further, मैं आपको बताना चाहती हूँ about a new product by Wow Skin Science India. मैं बात कर रही हूँ about the ACV shampoo, that is the apple cider vinegar shampoo by Wow Skin Science India.
why should it attract you, and I'm going to tell you all about it. So guys, ये जो product है ये बना है with natural and pure organic apple cider vinegar से, जो कि आपको help करेगा आपके बालों की जो shine है उसको restore करने में. जैसे कि हम इतनी styling करते हैं, इतनी pollution होती है, इतनी dust रहती है, तो उससे बालों में बहुत buildup हो जाता है. And to get rid of it, तो ये shampoo आपको definitely help करने वाला है, क्योंकि it is made up of mostly natural products. इसमें है अनफिल्टर्ड एंड अनपैस्चराइज्ड एप्पल साइडर विनेगर यानी कि ACV, एंड उसके साथ साथ इसमें है स्वीट आमंड ऑयल एंड ऑर्गन ऑयल. तो जैसे कि आप जानते हैं कि वाव स्किन साइंस इज अ प्योरली इंडियन मेड ब्रांड, एंड इसमें कोई भी सिलिकॉन्स नहीं होते, इसमें कोई भी पैराबेंस नहीं होते, एंड आई पर्सनली लव दिस प्रोडक्ट. तो ये आपको बेसिकली हेल्प करेगा कि आपके बालों में जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने में हेल्प कर सके एंड स्प्लिट एंड्स को मिनिमाइज कर सके, और ये स्ट्रेंथन भी करने में हेल्प करेगा, एड करेगा आपके जो हेयर रूट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने में ये हेल्प करेगा. गाइस, दिस कैन बी फॉलोड विद अ कंडीशनर, एंड इस कंडीशनर में है कोकोनट ऑयल, ऑल ऑर्गेनिक. इसमें ऑर्गेनिक वर्जन कोकोनट ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल. ये वैसे तो हर एक हेयर टाइप के लिए सूटेबल है, लेकिन ये अगर आपके बाल कलर्ड हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कंडीशनर हो जो आपके कलर को रिटेन भी करे, उसको खराब भी नहीं करे एंड नरिश भी करे आपके बालों के लिए, सो दिस इज वन प्रोडक्ट दैट यू मस्ट ट्राई. बेसिकली इसके जो स्टार इंग्रीडियंट्स हैं वो यही हैं कि इसमें वीट प्रोटीन है, इसमें वर्जन कोकोनट ऑयल है, इसमें एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन्स B5 एंड EB. के लिए जैसे कि मैं बात कर रही थी कि अगर आपके बाल कलर्ड हैं तो बेसिकली केमिकली ट्रीटेड हैं वो बाल, तो उनके लिए जो नरिशमेंट चाहिए वो ये आपको हेल्प करेगा प्रोवाइड करने में. आपके जो भी थिनिंग हेयर हैं, वीक हेयर हैं, तो उनको वो स्ट्रेंथन करने में, नरिश करने में, मॉइस्चराइज करने में ये एड करेगा. सो गाइज, अगर आप ये दोनों यूज करते हैं तो दिस इज अ नेचुरल वे टू गेट लस्ट्रस हेयर. सो गाइज, आपको अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड सब डिटेल्स इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी. सो गाइस, वाव स्किन साइंस इंडिया की खुद की एक ऐप भी है और ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है ऑन Amazon एंड Nykaa. गाइस, इनके हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक QR कोड बना होता है, विच इज अ साइन ऑफ ऑथेंटिसिटी. आप इसको स्कैन करके इन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं. बी वाव नेचुरली. मेरे को अभी भी याद है, मेरा वो फेवरेट छोटे होते, तब मैं छोटी ही थी, जब वो गाने थे तेरा होने लगा, I used to listen to that song on a, you know, loop, on loops, loop भी नहीं. ये इसके साथ आया था, रेस का था, I think पहली नजर में कैसा उसका, वो सुना है मैंने स्कूल में. हाँ, तो ये तब मैं भी स्कूल में थी तो बड़े सही मुझे लगते थे तब, तभी आतिफ के गाने, तब मुझे ये नहीं पता कि वो पाकिस्तानी है. मुझे भी नहीं पता ना, मुझे बहुत लेट पता चला. सेम सेम, सब छोटा तो नहीं पता होता, नहीं पता था. तो बड़े मजे से मैं गाने सुनती थी, एंड आप लोग बोल रहे थे अरे तुम लोग इतने भी छोटे नहीं हो, बचपन में सुनते. हमारा बचपन ही था गाइस, स्कूल में बचपन ही होता है, वो बड़ा है ना हमसे. आपको क्या लगता है हम 40 साल के हैं? बड़े लोगों ने बोला गाइस, ऐसे कैसे कर सकते हैं यार. तो हम छोटे होते एक्चुअली हमने सुने हैं उसके गाने. 11 साल हो गए उसको इंडस्ट्री में, 11-12, 15 अभी तो ज्यादा हो गए, तो मतलब हम 15 साल पहले थे, मतलब में ही थे ना. 11-12 साल क्या मतलब, क्या बच्चे होते हैं तब. आपको क्या लगता है हम 40 साल के यार, कैसे लोग हैं. So guys, हम लोग बहुत बड़े आतिफ असलम फैंस हैं, एंड आई वुड लव टू सी अ लाइव शो, अ लाइव कॉन्सर्ट है ना. तो मेरी तो बहुत इच्छा है, बिकॉज आई लव ऑल हिज सॉन्ग्स. एंड एक ना ब्लॉगर हैं, आई थिंक वो पाकिस्तान से हैं, वो बाशरा अली हैं वो. तो शी इज अ बिग शॉट, तो वो काफी आई थिंक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं. तो उसके भाई की शादी थी, तो उन्होंने स्पेसिफिकली आतिफ को बुलाया था, एंड वो वाले जो मैंने लाइव उन्होंने स्टोरीज डाली थी मुबाशरा अली ने, तो मैंने वो स्टोरीज देखी थी. आपने मुझे तो नहीं भेजी. अरे वो पुरानी बात है, तो मेरे को लगता है भेजी भी होंगी मैंने तुझे, तुझे याद भी नहीं है, 2 साल पहले की बात है. तो उनके भाई की शादी थी, तो यार कितना मजा आया था जन्नत, तब मुझे लगा था कि मुझे आतिफ का लाइव शो देखना ही है. आतिफ असलम पैकेज है, आवाज, गुड लुक्स, गुड लुक्स एंड गुड लुक्स आवाज, और एक अच्छा इंसान, जैसे सबने बोला काइंड एंड नाइस ह्यूमन. बट आई थिंक बहुत ही अच्छा है, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग हिम. तो ये बहुत ही देख के मजा आया कि इंडियन सेलिब्रिटीज आर एक्नॉलेजिंग हिज हार्ड वर्क. बट कुछ लोगों ने बोला अरे उसकी ऐसे इंजीनियर करके आवाज आती है, तो वो मुझे थोड़ा यार थोड़ी जेलसी भी हो जाती है ना लोगों में. हाँ, पर ये बातें बोलने वाली तो नहीं तो है, नहीं है उसकी तो आवाज इतनी सही है. उसकी रॉ आवाज भी बहुत सही है, गुलाबी आंखें जो रॉ आवाज में उसने यूट्यूब पर डाला था, वेरी नाइस. तो यार आपको क्लियरली पता लग गया.
So guys, this was our reaction and we really hope that you liked it. And if you did, to this video ko like kar do, usme bahut sare comments kar do aur hamare channel ko subscribe karke 200k pe pahuncha do. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.